अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहादुन में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे तो बेलगाम में तेंदुओं का मौजूद ज़ेर बहस है। आज फिर सुबह तेंदुआ नजर आया तो एक बार फिर पुलिस और फॉरेस्ट महकमा हरकत में आ गई। बेलगाम शहर की छोटी सी झाड़ी में तेंदुआ छिप जाना और इसे लेकर पिछले तकरीबन 20 दिनों से हंगामा बरपा करना, स्कूलों को छुट्टी देना, पुलिस की पेट्रोलिंग, फॉरेस्ट महकमा का जाल बिछाना, कैमरा लगाना और भी दिगर कोशिशें जारी हैं। पहले तो तेंदुआ ही है या नहीं ऐसा शक हो रहा था, लेकिन आज पुलिस फॉरेस्ट महकमा के सामने से ही गुजर कर जाना इस बात को साफ वाजह करता है कि फॉरेस्ट महकमा के अफसरान उतने तरबियत याफ्ता नहीं जितने होने की जरूरत है। और इसका एतराफ एमएलए अनिल बेनकर ने भी किया है। लेकिन तेंदुआ नाम एक खौफ का तमाशा जो चल रहा, आखिर इसका खात्मा कब होगा? अगर तेंदुआ नजर नहीं आता है तो फिर इत्मीनान की सांस, और फिर नजर आता है तो फिर एक तरह का तमाशा देखने को मिलता है। दरअसल ये काम पुलिस का नहीं बल्कि फॉरेस्ट महकमा का है। आज तो फॉरेस्ट अफसर ने, पुलिस और मीडिया ने ही तेंदुओं को भगाने का इल्जाम लगाने की बात कही जा रही है। खैर, आज जो मौका फॉरेस्ट महकमा को मिला था शायद फिर ऐसा मौका मिले ना मिले, क्योंकि सामने से ही तेंदुआ गुजर गया और जाल पकड़े फॉरेस्ट मुलाजमीन दूर खड़े नजर आए। और जब फिर झाड़ियों में चला जाता है तो फिर वही ढूंढने की कोशिश। बेलगाम वालों के लिए तेंदुआ नहीं बल्कि एक मजाक होकर बैठा है। बड़े ही मजे से तेंदुओं का तस्करा शहर के मुख्तलिफ जगहों पर देखा जा रहा है। बच्चों को स्कूल की छुट्टियां मिलने से इन्हें अच्छा लग रहा है, और जिन बच्चों के स्कूल से रेस कोर्स से दूर है उन्हें अफसोस है कि शायद हमारी स्कूल भी करीब होती तो हमें भी छुट्टी मिल जाती। और यह तस्करा तकरीबन सभी घरों में जारी है। आज दो बार तेंदुए का दीदार हुआ तो फिर एक बार ऑपरेशन लियोपार्ड चलाया गया। मीडिया और पुलिस के लोग काफी तादाद में मौजूद थे। इस तरह महज एक इवेंट के तौर पर जमा होना फिर चले जाना, इसका क्या मतलब हो सकता है? और पिछले 20 दिनों से यह मामला देखा जा रहा है। जाधव नगर स्विमिंग पूल, रेसकोर्स मैदान, हनुमान नगर जहां करीब में घनी बस्ती है, लोगों के दिलों में और चेहरों पर डर खौफ देखा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर तेंदुआ किसी इंसान को शिकार बनाता है तो किसकी नाकामी मानी जाएगी? जाहिर है पिछले 20 दिन के करीब बेलगाम के इन्हीं झाड़ियों में रिहाइश पजीर तेंदुआ है तो खाने की जरूरत पूरा करने के लिए इंसानी बस्तियों में दाखिल होने के इम्कान का इनकार भी तो नहीं कर सकते। वैसे तो रोजाना 2 कुत्ते खाने की बात कही जा रही है। कुछ जगहों पर मोर के पंख मिलने का भी तस्करा किया जा रहा है। अगर फॉरेस्ट अफसरान या कांस्टेबलों को इसका तजर्बा या एक्सपर्ट नहीं है तो इन्हें बुलाया क्यों गया था? क्या महज 20 दिन तेंदुओं के देखने के लिए या इसकी तस्दीक करने के लिए गुजारे गए? सिर्फ एक तेंदुओं को पकड़ने के लिए महीनों तक कोशिश की जा रही है, और वो भी बेलगाम शहर जहाँ महदूद इलाके में झाड़ी है। अगर बड़े जंगलों में तलाश करना हो तो क्या फिर बरसों लगा दिए जाएंगे? ऐसा तंज भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। आज शहर में इसी का मौजूद ज़ेर बहस रहा, और साथ में इंतजामिया पर भी सवाल उठाए गए कि अब तक फॉरेस्ट महकमा की गिरफ्त में तेंदुआ क्यों नहीं आ रहा? गलती कहां हो रही है? लियोपार्ड ऑपरेशन की नाकामी की वजह क्या? बड़ी तादाद में फॉरेस्ट महकमा का आखिर फायदा क्या? जैसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। आज फिर तकरीबन 22 स्कूलों को छुट्टी दे दी गई और एक बार फिर आवाम को घरों से बाहर न निकलने की ताकीद भी दी गई। इस इलाके में अमीर लोग ज्यादा रहते हैं और इनके मकानात हैं जिनका घर से बाहर निकलना शायद कार से ही होता होगा, लेकिन ऐसे कई घर हैं जिन्हें पैदल या मोटरसाइकिल से रोजमर्रा की मसरूफियत के लिए निकलना होता है। खुदा न खास्ता किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है तो क्या इंतजामिया, हुकूमत या फॉरेस्ट महकमा जिम्मेदारी ले सकती है? ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। इतना तो जरूर है कि बेलगाम शहर में तेंदुए की चर्चा घर घर में की जा रही है। अभी शाम होते होते हुक्केरी से शिकारी कुत्तों को लाया गया ताकि तेंदुए को पकड़ा जाए। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये अलग बात है, नहीं तो शिकारी खुद शिकार हुआ की तरह ना हो जाए ऐसा भी कहा जा रहा है। शाम में रियासती वजीर फॉरेस्ट मिनिस्टर उमेश कत्ती ने भी साथियों से मुखातिब होते हुए कहा कि तेंदुए को पकड़ना आसान नहीं है क्योंकि तेंदुआ बड़ा है, इसे मैसूर से शार्प शूटर्स लाए जाएंगे और 2-3 दिन में तेंदुओं को हिरासत में लिया जाएगा, ऐसा भरोसा दिलाया। दिगर माहिरीन को भी मधु करने की बात उमेश कत्ती ने कही। आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि और कितने दिन यह तेंदुआ सीरियल चलता रहेगा? अब जो बातें फॉरेस्ट मिनिस्टर कह रहे हैं, क्या पहले ही इस पर अमल नहीं किया जा सकता था? क्योंकि एकता कपूर के सीरियल की तरह यह कहानी लंबी ही होती जा रही है, जिसको जल्द खत्म करना फॉरेस्ट महकमा का काम है, इतना जरूर है। बेलगाम जिले नाकु चिरते हावळिगळु कळेद 20 दिनगळिंद कंडु बर्ता इदे। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿನಿಂದ ಅತಿನಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಅತಿನಿ ಹವಾಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗೋಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿದೆ, ಅದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 8 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಂದು ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇರುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 60 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ 120 ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 80 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹಿಡಿಯಬೇಕಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದೆ. जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो दहशत गर्दों के हमले के इम्कान और हिंदू मुस्लिम तनाजा भी बढ़ता जाता है. रियासत कर्नाटक में भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मजहबी तशद्दुद को बढ़ाते हुए देखा जा रहा है. शिमोगा, मैंगलोर और रियासत के कुछ इलाकों में तशद्दुद की वारदातें बारहा देखी जा रही है. सावरकर और टीपू सुल्तान पर अभी जश्न उम आजादी के मौके पर फसाद नुमा हालात रोनुमा किए गए. खैर, आज सावरकर की तस्वीर हाथ में लिए कांग्रेस दफ्तर पर एहतजाजी जुलूस भाजपा कारकुनान की जानिब से निकाला गया. जाहिर अब किसी तरह सावरकर को वीर साबित करके ही रहेंगे ऐसा लग रहा है. चुनाव के मद्देनजर कई सारी तब्दीलियां और वारदातें होती दिखाई दे रही है. मैंने पहले यूपी कन्नौज में मंदिर के सामने गाय का गोश्त फेंकने की वारदात पेश आई जिसे लेकर फसाद कायम हुआ था जिसमें कई अकलियतों की दुकानों को जलाया गया था. ये वारदात कन्नौज के तालाग्राम इलाके में पेश आई थी लेकिन एक महीने की तहकीक के बाद इसका असल मुजरिम पकड़ा गया और वो है हिंदुत्ववादी तंजीम का अपराध होने की बात कही जा रही है. अहम मुजरिम का नाम चंचल त्रिपाठी बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक चंचल त्रिपाठी ने एक कसाई को मंदिर के बाहर गोश्त रखने के लिए 10,000 रुपए दिए गए थे ताकि हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा हो जाए. हुआ भी वैसे ही. गोश्त को मंदिर के बाहर रखने के बाद पहले से ही तैयार हिंदुत्ववादी तंजीम के अपराधों ने मुसलमानों के दुकानों में आग लगाई. इस तरह फसाद बर्पा हुआ. इस मौजू पर बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि रियासत कर्नाटक में जल्द चुनाव होने वाले हैं और इख्तदार इन्हीं जलते हुए शोलों के जरिए हासिल करने का नया फॉर्मूला फिरका परस्तों ने ढूंढ निकाला है. इसे समझते हुए जहां भी तश्वीशनाक हरकत नजर आए पुलिस को इत्तला करने की कोशिश करें. उमूमन अकलियती समाज की बेहिसी और लापरवाही अक्सर नुकसान का सबब बनती है. जाहिर है इसका इल्म ना तो दीनी या सियासी रहनुमाओं की जानिब से दिया जाता है और ना ही मस्जिदों से खुद में दिए जाते हैं. और जब अचानक कुछ हो जाता है तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रहता. लिहाजा जरूरत है चौकन्ना रहने की और खासकर अपने अंदर के मुनाफिकों को पहचानने की क्योंकि जो लोग चंद रुपए में बिक जाते हैं वो कौम मिल्लत का बड़ा नुकसान करते हैं. जैसे कन्नौज में सिर्फ 10,000 रुपए लेकर काम को अंजाम दिया गया था क्योंकि फिरका परस्तों का काम ही है फसाद को बर्पा करना. दिन बहुत नाजुक है, संभल कर चलने की जरूरत है. बेलगाम कारपोरेशन यानी बल्दिया इंतखाबात मुकम्मल होकर साल से भी ज्यादा अरसा गुजरा लेकिन अब तक मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हुए और कारपोरेटरों ने भी हल्फ अभी नहीं लिया है. जाहिर है वार्ड के तरक्याती कामों को अंजाम देने में कारपोरेटरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. आखिर इतनी ताखिर क्यों हो रही है? लिहाजा जल्द मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव कर कारपोरेशन में रुके हुए कामों को मुकम्मल करने के लिए कारपोरेटरों को मौका दिया जाए. वाजा रहे वार्ड में सफाई नाले, बिजली, गटर, ड्रेनेज, सड़क के कई काम मुकम्मल होने की कगार पर है पर मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव ना होने की वजह से कामों में रुकावट बने हुए. तकरीबन 17 वार्डों के कारपोरेटर ने आज रीजनल कमिश्नर से मुलाकात फरमाकर अपना मुतालबा पेश किया. इस वक्त शहीद पठान, मुजम्मिल डोनी, रियाज किलेदार, बाबा जान मतवाले और दिगर कारपोरेटर शरीक रहे. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.